सिद्धार्थनगर के बासी तहसील के जिगनिया व चौराहे पर अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में एक्सपायरी दवाओं से मरीज का इलाज कराने समेत कई खामियां निकाली, जिसके बाद से उसे सील कर दिया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर एमएम त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर लगातार जिले में छापेमारी की जा रही है। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि अस्पतालों को सील कर दिया गया, जिसमें से जिले में जो भी अवैध अस्पताल चल रहे हैं उनमें उनके खिलाफ सघन जांच की जा रही है। एक हिंदुस्तान फार्मा क्लिनिक है और जिगनियावा चौराहे पर, वहाँ मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, उसकी आड़ में मरीजों को भर्ती करके उनको बोतल और इंजेक्शन लगाया जाता था और मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जाता था और उनके मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवाइयाँ भी मिली हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज करके उसको जो है थाने पर भिजवा दिया जा रहा है और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जा रहा है। गोपनीय सूचना के आधार पे जिले से जो है स्वास्थ्य टीम आई थी और यहाँ से हम थे, यहाँ के एमओएसी साहब थे और कुलौरा एसएचओ साहब थे, तो संयुक्त टीम द्वारा जो है दोनों जगह छापेमारी की गई है और दोनों जगह इलीगल रूप से जो है कोई कागजात नहीं है, इलीगल रूप से जो है अल्ट्रासाउंड मिले हैं और उसके साथ जितने इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं सब कुछ वो मिले हैं।